हेलो मित्रों, अब तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो अपने कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक रूल समझे। इसके बाद हम लोगों ने भाव कारकत्व और ग्रह कारकत्व इनको समझा। इस वीडियो में हम लोग राहु केतु की भूमिका किस प्रकार से डिसाइड होगी, किस किस भाव को ये सिग्निफाई करेंगे और किस प्रकार ये जन्म कुंडली में अपना रिजल्ट देंगे उस पर विचार करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी होता है। कुछ ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं और कुछ ग्रह केवल एक राशि के स्वामी होते हैं, और वो दो ग्रह हैं हमारे सूर्य और चंद्र। सूर्य कौन सी राशि का स्वामी होता है? लियो मतलब सिंह राशि का, और जो चंद्र है वो कैंसर मतलब कर्क राशि का स्वामी होता है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो दो राशियों के स्वामी होते हैं, परंतु ये जो राहु और केतु हैं इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, अर्थात ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। ठीक है, ये छाया ग्रह हैं। अब छाया ग्रह का मतलब क्या होता है? छाया ग्रह मतलब जो ये वास्तव में पिंड नहीं है, मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे एक पिंड के रूप में हैं। ठीक है, लेकिन ये मतलब इनका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, मतलब फिजिकल रूप में ये कहीं नहीं है। जैसे मंगल है तो मंगल एक पिंड के रूप में है, एक स्फीयर के रूप में है, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, ये सारे के सारे फिजिकल फॉर्म में हैं, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं। लेकिन ये जो हमारे राहु और केतु हैं इन्हें हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं। तो छाया ग्रह का मतलब ये फिजिकल बॉडी नहीं है। अब ये है क्या? ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। कौन से इंटरसेक्ट पॉइंट? ये वो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं जो जो पृथ्वी का पाथ है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक सर्क्यूलर, वैसे तो इलिप्टिकल होता है लेकिन हम मान लेते हैं कि वो सर्क्यूलर पाथ है। एक सर्क्यूलर पाथ ये बना, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो एक सर्क्यूलर पाथ चंद्रमा बनाता है। तो दो सर्कुलर पाथ हुए, एक सर्कुलर पाथ पृथ्वी ने बनाया और दूसरा सर्कुलर पाथ चंद्रमा ने। तो जहां पर ये दोनों सर्कुलर पाथ एक दूसरे को कट करते हैं उन इंटरसेक्ट पॉइंट्स को ही हम लोग राहु और केतु कहते हैं। विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा इनके ऊपर क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, तो केवल इतना जानना पर्याप्त है कि ये दोनों राहु और केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह का मतलब इनका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, मतलब ये फिजिकल बॉडी नहीं है। दूसरी बात जो इनके बारे में याद रखनी है, ये हमेशा वक्री होते हैं। अब वक्री का मतलब क्या है? ये उल्टे चलते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो हमेशा मेष, फिर उसके बाद वृषभ मतलब टॉरस, देन मिथुन, इस तरीके से चलते 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 मीन राशि में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो राहु और केतु हैं ये उल्टा चलेंगे। ठीक है, अगर ये मेष में हैं तो फिर मीन में जाएंगे, मीन से ये कुंभ में आएंगे, कुंभ से ये आपका मकर में आएंगे, और मकर से ये धनु, इस तरीके से चलते चलते ये वापस मेष में जाएंगे। तो ये हमेशा उल्टा, वक्री का सीधा सा मतलब है कि इनका जो जो मूवमेंट है वो हमेशा बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में उल्टा रहेगा। ठीक है, राहु और केतु जन्म कुंडली में फल कैसे देते हैं? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि ये भाई जिस राशि में बैठ जाते हैं ये उसी राशि के स्वामी का फल देने लगते हैं। तो ये तो एक बड़ा बेसिक सा आइडिया है। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है क्योंकि ये किसी राशि के स्वामी तो है नहीं। अब ये किसी राशि के स्वामी नहीं है तो किसी भाव के भी स्वामी नहीं होंगे। जैसे शुक्र है आपका, तो जो वीनस होता है वो वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। अब अगर तुला या वृषभ राशि आपके भाग्य स्थान पर आती है तो हम लोग क्या कहेंगे
कि जो आपका भाग्य का स्वामी है वो वीनस है। इसका मतलब है भाग्य भाव के जो फल देगा वो कौन देगा? वीनस देगा। ये भी एक बेसिक आइडिया है। लेकिन राहु और केतु जब किसी राशि के स्वामी ही नहीं होते तो ये किसी भाव के भी स्वामी नहीं होंगे। अब क्योंकि ये किसी भाव के स्वामी नहीं है तो फिर ये फल किस प्रकार देंगे, ठीक है ना? तो इसलिए एक बेसिक आइडिया लगाया गया कि जो राहु और केतु हैं वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं, ठीक है। अब राहु केतु से संबंधित फलों को ज्ञात करने के नियम केपी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि हम राहु और केतु के अगर हम लोगों ने फल देखने हैं कि किस भाव के रिजल्ट ये जातक को देंगे, उसे ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहला, राहु केतु जिस भाव में होंगे उस भाव का फल देंगे, ठीक, रूल याद रखना है आपने। राहु और केतु जिस भाव में होंगे उस भाव का फल देंगे। अगर ये फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस का फल देंगे, नाइन्थ में है तो नाइन्थ का फल देंगे, ठीक है। इसके बाद राहु और केतु जिस ग्रह के साथ युति, युति मतलब जिसके साथ वो बैठे हुए होंगे, ठीक है, जिस ग्रह के साथ युति में होंगे उस ग्रह का फल देंगे, ठीक। तीसरा रूल, जो ग्रह राहु केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं उस ग्रह का फल भी राहु और केतु देंगे। तो अब तक तीन बातें क्लियर हो गई। राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देते हैं। इसके बाद राहु केतु जिन ग्रहों के साथ युति में होते हैं उन ग्रहों का फल भी देते हैं। तीसरी बात, राहु और केतु पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उन ग्रहों का फल भी राहु और केतु देते हैं। फोर्थ पॉइंट, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का फल भी देते हैं। तो अगर आपने केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु से संबंधित फलों को एनालाइज करना है तो आपको ये चार सूत्र जरूर याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि राहु और केतु की दृष्टि का विचार नहीं करना है, ठीक। हमें क्या देखना है कि राहु और केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है। राहु और केतु की दृष्टि किन पर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने केवल ये चेक करना है कि कौन कौन से ग्रह राहु और केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर हम लोग राहु और केतु की दृष्टि पर आकलन करने लगेंगे तो राहु पर केतु की दृष्टि जरूर होगी और केतु पर राहु की दृष्टि जरूर होगी, तो फिर तो हम लोग इसी कैलकुलेशन में फंसे रहेंगे। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी का सीधा सा रूल है कि राहु और केतु किन ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं इसको हम लोगों ने कंसीडर नहीं करना है। हमने क्या कंसीडर करना है कि कौन से ग्रह राहु और केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु और केतु की किस ग्रह के साथ युति है, कौन से ग्रह उस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं या किस राशि में ये उपस्थित हैं, इन तीनों का आकलन करने के लिए हमें राशि कुंडली का उपयोग करना चाहिए। परंतु राहु केतु किस भाव में उपस्थित हैं, अगर आपने ये चेक करना है तो इसके लिए आपको भाव चलित कुंडली का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब राहु और केतु किस भाव में स्थित हैं, अगर आपने ये चेक करना है तो आप उपयोग करेंगे भाव चलित कुंडली का। परंतु राहु और केतु किस राशि में उपस्थित हैं या किन ग्रहों के साथ युति में हैं या किन ग्रहों की दृष्टि में हैं, इनका आकलन करने के लिए आपको राशि कुंडली का उपयोग करना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये मेरे पास एक जन्म कुंडली है, मैंने दोनों ही कुंडलियां बनाई हैं। पहली कुंडली राशि कुंडली है और दूसरी भावचलित कुंडली। मुझे ये चेक करना है कि राहु
किन किन भावों का फल हमें देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि राहु कौन से भाव में है। तो ये चेक करेंगे हम भावचलित कुंडली से। तो अगर मैं भावचलित कुंडली में देखूं तो राहु फोर्थ हाउस में बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भाव कौन सा लेंगे हम लोग, फोर्थ। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया भाव इक्वल टू फोर। अब मुझे ये चेक करना है कि राहु किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है। तो ये चेक करने के लिए मुझे राशि कुंडली का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर मैं राशि कुंडली में देखूं तो पंचम भाव में राहु गुरु के साथ बैठा है। इसका मतलब है गुरु और राहु की युति है। इसका मतलब हो गया कि युति राहु कर रहा है गुरु के साथ। ठीक है, अब गुरु कौन कौन से भावों का कारकत्व रखता है इसे मैं चेक करूंगा भावचलित कुंडली से। और बड़ा सिंपल है, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे कैसे चेक करते हैं। भावचलित कुंडली में आते हैं तो जो गुरु है वो हमारा पंचम भाव में बैठा है। ठीक, तो एक तो पांचवा भाव हो गया, और कौन कौन से भाव का स्वामी है, एक तो वो फोर्थ और एक सेवेंथ, मतलब चौथे भाव, क्योंकि चौथे भाव में नाइन नंबर लिखा मतलब वो धनु राशि, और सेवेंथ में 12 लिखा है मतलब मीन। तो इसका मतलब हो गया कि राहु चौथे और सातवें भाव का स्वामी है और पांचवें भाव में बैठा है। तो इसलिए जो गुरु है वो सिग्निफाई करेगा 5 4 7 को। पांचवें भाव में वो खुद बैठा है, चौथे भाव और सातवें भाव का वो स्वामी है। ठीक है, तो ये हो गया गुरु का मतलब युति का फल। अब मुझे देखना है कि क्या राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि है, तो इसे भी मैं राशि कुंडली से चेक करूंगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, मंगल अपनी सातवीं दृष्टि पंचम भाव में डाल रहा है। इसका मतलब है राहु पर मंगल की दृष्टि है। केतु और राहु की दृष्टि का तो मुझे आकलन करना ही नहीं है। हालांकि केतु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, लेकिन मुझे उस पर कंसीडर नहीं करना है। मुझे केवल कंसीडर करना है मंगल, मंगल की दृष्टि राहु पर। ठीक है, तो इसका मतलब है अब मुझे मंगल पर भी विचार करना पड़ेगा। तो दृष्टि किसकी आ गई, मंगल की। अब मंगल किन किन भावों को सिग्निफाई करता है इसे चेक करने के लिए मैं भावचलित कुंडली का उपयोग करूंगा। तो भावचलित कुंडली में देखते हैं तो मंगल कौन से भाव में बैठा है, 11वें भाव में। और कौन कौन से भाव का स्वामी है, एक तो ये आठवें भाव का स्वामी है क्योंकि इसके अंदर वन लिखा है मतलब मेष राशि, और एक ये तृतीय भाव का स्वामी है क्योंकि वहां आठ लिखा है मतलब स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। तो इसलिए मंगल 11वें 8वें और तीसरे मतलब 11th 8th और थर्ड, इन तीनों हाउस को सिग्निफाई करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरे बात तो ये थी कि दृष्टि, फोर्थ आता है राशि स्वामी। अब मुझे ये चेक करना है कि राहु किस ग्रह की राशि में है। तो अगर मैं राशि कुंडली से चेक करता हूं तो जिस भाव में राहु बैठा है वहां पर 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर। तो इसका मतलब जो राहु है उसका जो राशि स्वामी है वो शनि है, क्योंकि मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। तो इसका मतलब हो गया कि जो राशि स्वामी निकल कर आया वो निकल कर आया शनि। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शनि के कारकत्व देखने हैं कि जो शनि है वो किन किन हाउसेज को सिग्निफाई करता है। तो देखते हैं, पहले शनि कहाँ बैठा है, शनि बैठा है पहले भाव में, तो एक तो पहला भाव हो गया। इसके अलावा जो स्वामी है वो स्वामी है पंचम और षष्टम मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस का, क्योंकि फिफ्थ हाउस में मकर और सिक्स्थ में कुंभ राशि है। तो इसका मतलब हो गया जो शनि है वो सिग्निफाई करता है 1 5 और 6 को, क्योंकि पहले हाउस में वो बैठा है और पांचवे में उसकी राशि मकर है और छठे में उसकी राशि कुंभ है।
तो शनि सिग्निफाई कर रहा है 1, 5 और 6 को। अब ये जितने भी नंबर मुझे मिले, जैसे भाव के लिए मुझे मिला 4, युति के लिए मुझे मिला 4, 5, 7, दृष्टि के लिए मुझे मिला 3, 8, 11 और राशि स्वामी से मुझे मिला 1, 5, 6। अब इन सारे के सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ लिख देंगे। जो नंबर रिपीट होगा उसे एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसा करने से मुझे राहु का कारकत्व, मतलब राहु किन किन भावों को सिग्निफाई करता है, ये पता लग गया। तो कौन कौन से भाव हैं जिन्हें राहु सिग्निफाई करता है, वो हैं 1st, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 11th। इन भावों को राहु इस जन्म कुंडली वाले व्यक्ति के भावों को सिग्निफाई करता है, या इस जन्म कुंडली के इन भावों को राहु सिग्निफाई करता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग राहु का कारकत्व ज्ञात करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग केतु का कारकत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केतु किस भाव में बैठा है। तो देखते हैं, केतु हमारा 10th हाउस में है। भाव चलित कुंडली में देखेंगे तो 10वें भाव में केतु बैठा है। तो भाव आ गया हमारे पास 10। अब हम देखेंगे युति किसके साथ है। तो युति राशि कुंडली में देखेंगे तो स्पष्ट है कि जो केतु की युति है वो मंगल के साथ है, और मंगल किन किन भावों को सिग्निफाई करता है ये हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं। वो भाव हैं 11th, 8th और 3rd। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं युति इसकी मंगल के साथ है, और मंगल सिग्निफाई करता है 11, 8 और 3rd को। अब मुझे देखना है दृष्टि कि केतु पर किसकी दृष्टि है। स्पष्ट है कि जो गुरु है वो अपनी सातवीं दृष्टि से केतु को देख रहा है। तो इसका मतलब है अब मुझे गुरु के ऊपर कंसीडर करना है। तो जो दृष्टि है वो तो गुरु की है, और गुरु किन भावों को सिग्निफाई करता था हम लोगों ने पहले चेक कर लिया था कि 4th, 5th और 7th। तो लिख देते हैं, एक्चुअली ये हम लोग पीछे फाइंड कर चुके हैं तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोबारा से चेक करने की। अब मुझे देखना है कि राशि स्वामी कौन है केतु का, केतु का राशि स्वामी कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं राशि कुंडली को, तो केतु बैठा है 4th नंबर की राशि में, और 4th नंबर की राशि मतलब कर्क। कर्क का स्वामी होता है चंद्र। इसका मतलब हो गया कि जो केतु का राशि स्वामी है वो है चंद्र। अब चंद्र किन किन भावों को सिग्निफाई करता है इसे हम लोग चेक करेंगे भाव चलित कुंडली से। तो भाव चलित कुंडली में देखते हैं तो चंद्र हमारा 8वें भाव में बैठा है। तो एक तो 8वां भाव हो गया, और वो 11वें भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब है वो दो भावों को सिग्निफाई करता है, 8वें और 11वें। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ये शनि गलत लिखा है, आप लोग इसे चेक कर लें, शनि की जगह आएगा चंद्र। तो चंद्र सिग्निफाई करता है 8वें और 11वें भाव को। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो केतु का कारकत्व निकल कर आया, उन सारे नंबरों को मैंने एक साथ लिख लिया तो नंबर आए 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो इन भावों को केतु सिग्निफाई करता है। यहाँ पर दो जगह एरर है, आप लोग इन एरर्स को जरूर चेक करें। एक तो जो शनि आ रहा है, इस शनि की जगह आप लोग लिखेंगे चंद्र, और नीचे जो राहु का कारकत्व लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह आप राहु की जगह आप लिख लें केतु का कारकत्व। तो इतनी करेक्शन आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग राहु और केतु के कारकत्व को ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पहला है कि राहु केतु अगर किसी ग्रह के एजेंट या प्रतिनिधि का कार्य कर रहे हैं, मतलब नक्षत्र स्वामी या किसी भी तरीके से बनकर, तो उस ग्रह की तुलना में आपको राहु केतु को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए
राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। आप जन्म कुंडली जब बनाएंगे तो चेक करेंगे कि राहु कहाँ है, तो आपको पता लग गया कि राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। और मान लीजिए जो जो हमारा वीनस है वो फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करता है, तो जब भी आप फोर्थ हाउस से संबंधित किसी घटना का एनालाइज करेंगे तो वीनस से पहले आपको कंसीडर करना है राहु पर, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को जो दूसरे सिग्निफिकेटर्स हैं, जैसे अगर आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग का जो अपना थर्ड हमारा वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने भाव कारकत्व और फोर्थ में ग्रह कारकत्व फाइंड किए थे, तो वहाँ पर मैंने लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर के कारक बताए थे, ठीक है। तो लेवल वन वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेवल टू से कम, फिर एल थ्री, फिर एल फोर, इस तरीके से था। लेकिन इनमें भी अगर मान लीजिए किसी भाव के लिए सूर्य एल वन लेवल वन का सिग्निफिकेटर है और उसी भाव का सिग्निफिकेटर राहु भी बनता है, तो आप एल वन जो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं उसकी जगह सबसे पहले राहु पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल याद रखें कि जितने भी सिग्निफिकेटर्स होते हैं, चाहे वो एल वन लेवल वन के हों, चाहे वो लेवल टू के हों, या चाहे वो लेवल थ्री के हों, चाहे वो लेवल फोर के हों, इन सब की तुलना में अगर उसी भाव का सिग्निफिकेटर जिस पर आप कंसीडर कर रहे हैं राहु और केतु भी बन जाते हैं, तो आप सबसे पहले राहु और केतु पर ही विचार करेंगे। मेरा एक सिंपल सा रूल है कि अगर राहु और केतु किसी भी भाव के सिग्निफिकेटर बनते हैं तो आप सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान दीजिए, बाकी सिग्निफिकेटर्स के बारे में बाद में सोचिए, ठीक है। अब उदाहरण लेकर चलते हैं, मान लीजिए शनि और राहु दोनों दसवें भाव के सिग्निफिकेटर्स हैं, ठीक। तो जब आप दसवें भाव के ऊपर कभी भी विचार करेंगे या दसवें भाव से संबंधित किसी भी घटना पर विचार करेंगे तो सबसे पहले आप किस पर विचार करेंगे, राहु पर। दूसरे नंबर पर आप शनि पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो विचार करना पड़ेगा वो राहु पर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग रूलिंग प्लैनेट्स और वक्री ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।